हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुई है। इंशाल्लाह मंडे से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी होपफुली, और एक आपका टाइम टेबल शेड्यूल बोलें और सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी वेरी सून एज पॉसिबल। वी आर ट्राइंग, हम सब लोग लगे हुए हैं इसी काम पर, लगे हुए हैं कि आपके नोट्स वगैरह प्रॉपर टाइमिंग पर आप तक पहुँचें, क्लासेस आपकी टाइमिंग पर पहुँचें, सब कुछ आप पर सारा टाइमिंग पर हो। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, सबने क्लासेस देख ली होंगी, जो कल क्लास गई थी वो देख ली होगी, और किसी कोई क्वायरी नहीं आई, कोई डाउट नहीं आया। तो मैं ये सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि शायद कोई डाउट नहीं है, या तो मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, या आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, या तो मैं गलत हूँ या फिर आप गलत हो, दोनों में से कोई भी निकल के आ सकता है। बट आज मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों से बात करूँ कॉल पर या जैसे भी ग्रुप पर, आई एम ट्राइंग। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आ रही है, अगर आ रही हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में अपने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, सेल का साइज क्या होता है, सेल के बारे में बताया। ठीक है, सेल की हमने बेसिक फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली थी, जो बेसिक टर्म्स आती हैं, जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी, सेल वॉल पढ़ी हमने, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पढ़ लिया। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हमारा है शायद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला पढ़ा था हमने लास्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। आपके ग्रुप में नोट्स होंगे, आप उन नोट्स को देखें। सबसे पहले तो क्लास का फॉर्मेट क्या है? आपके नोट्स आपके ग्रुप में पहुँच जाते हैं, आप उन नोट्स को अपनी कॉपी पर नोट्स कर लें। ठीक है, देन सेकेंड, उसके बाद आप मेरी क्लास देखें उन नोट्स को अपने सामने रख के। देन क्लास वॉच करने के बाद जब कोई डाउट हो तो उसे फौरन मैसेज करें ग्रुप पर, अदरवाइज कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही एक बार रिवाइंड करके देख लें। जब भी समझ में नहीं आती है तो फिर आप मैसेज कर दें और उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और थर्ड काम आपका ये है एनसीईआरटी रीड करना। संडे आपका टेस्ट होगा, वो आपको सेल्फ एनालाइज करा देगा कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, और मुझे ही पता चल जाएगा। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके टेस्ट भी ऑनलाइन क्विज की फॉर्म में कराएं। बात करी है मैंने वो कुछ लोगों से, तो ट्राई कर रहे हैं, जल्दी हम करेंगे। बट अभी तो फिलहाल नॉर्मली 10-15 दिन एडजस्ट कर लेना, ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर हम अपने मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल तो हमने पढ़ ली है, बस थोड़ा बहुत जो भी बेसिक इंट्रो है थोड़ा बहुत रह गया है, रिमेनिंग पार्ट वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जब आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में आपको एक टेबल फॉर्म में, एक टेबलर फॉर्म में मैंने दोनों चीज़ें वो कर दी। प्रोकैरियोटिक सेल तो मैंने पढ़ा दी। ठीक है, अब आप जब एनसीईआरटी अपनी खोलेंगे तो आपको उसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के डायग्राम मिलेंगे। तो उन दोनों के डायग्राम क्या डिफरेंस है वो देख लेना, और उनकी लेबलिंग कैसे हुई हुई है वो देख लेना, क्योंकि लेबलिंग की लोकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। आपको वो डायग्राम दे देंगे और उसकी लेबलिंग पूछेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी, एनीथिंग, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज? मेनली टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन है, या दूसरे वर्ड में बोलूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो हम पढ़ चुके हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है सेल वॉल का वो आप आज कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में बता दिया था, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब दिखा दिया था। ठीक है, अब एक टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को कंसाइज करा गया है कि कम टाइम में और सारी नॉलेज आपको पहुंचा दी जाए अब तक। तो उसके लिए ये एक टेबल फॉर्म आप दिख रही होगी, टेबल में आप देखेंगे एक साइड में फीचर्स लिखे हुए हैं, एक साइड पे प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है, एक साइड पे यूकैरियोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जो फीचर्स हैं, फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या आता है हमारा? न्यूक्लियस। ये आपको क्लास 11th में पता चल जाता है, जो बच्चे फ्रेशर हैं उन्हें पता चला होगा, और जो ड्रॉपर है उन्हें तो पता होना चाहिए, और वैसे पुरानी क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि बहुत प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है।
प्रोकैरियोट्स में, कि मतलब कि जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल प्रॉपर हो, वो ऐसा नहीं है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें हमें वेल डिफाइंड, वहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिखता है, वहाँ पे प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा। ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं, प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है बट नॉट वेल डिफाइंड, उसमें इतना प्रॉपर नहीं है। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हमारा प्रॉपरली डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है ये आपको आगे की क्लास में पता चल जाएगा, बट अभी फिलहाल इतना समझ लेना कि न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोकैरियोट्स में नॉट प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में है। ठीक है, थर्ड फीचर क्या है हमारा, थर्ड फीचर हमारा डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और दूसरा वर्ड के यूज करते हैं हम उसके लिए नेक डीएनए। क्या होता है नेक डीएनए हमारा, जो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में जब हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे थे। ठीक है, देन अब जब हम आ जाते हैं यूकैरियोट्स पे, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ये किससे बना हुआ होता है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन, किससे बना हुआ होता है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ लोगों को पता होंगे जो ड्रॉपर्स हैं हमारे बैच में और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो, अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा जब हम आगे वो करें। क्यों देखो, बताने को मैं अभी बता दूं बट अभी इस टाइम पे कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ पे पूरा आधा घंटा लगा दूं उस टॉपिक को लेके यहीं बैठ जाऊँगा, आगे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए उस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं छेड़ता। जो चीज़ मैं बोलता हूँ आगे क्लास में कंटिन्यू होगी या मिलेगी वो आपको पूरे मिलेगी, ऐसी बात नहीं छोड़ दूंगा मैं, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्या है हमारा नेक्स्ट फीचर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नॉट प्रेजेंट, ऐसा हमने देखा था। प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीन से हमारा एक सेल एनवलप बनता है। ठीक है, और अंदर जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज थी उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं थी, बस एक सिर्फ राइबोसोम बताया था, जो राइबोसोम क्या होता है हमारा बताओ। सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम होता है जो ऑर्गेनेली होता है, वो भी सिंगल ऑर्गेनेली। ठीक है, राइबोसोम भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है और डबल मेम्ब्रेन भी होती है, उसमें ना सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी ना डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, बट एक राइबोसोम ही है जिसमें जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर हमारा, नेक्स्ट फीचर क्या आता है हमारा, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक 70S एक 80S। जो हमारी प्रोकैरियोट सेल है उसमें कौन सा पाया जाता है हमारा राइबोसोम, 70S। एस क्या है हमारा, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। ठीक है, ये किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होता है हमारा, 70S। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है हमारा, 80S होता है प्लस 70S भी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कौन से हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसमें क्या क्या आता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी एपराटस, ये सारी चीज़ आती हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये होता है। वो भी पता चल जाएगा वो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा राइबोसोम 70S 80S के बारे में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी तक ये है कि प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S प्लस एज वेल एज 70S बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें, कौन सी सेल में हो रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है हमारा, एंड प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर की फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जहाँ पे क्लोरो वर्ड लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट फुल वर्ड आपको लिख लेना मेरे नोट्स में, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और एक फॉर्म आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए हुए हैं उसमें उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आए तो उसमें से देख लिया करो। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, ट्रू वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस उसका,
चैप्टर का, उसमें क्लियर होगा। बट अभी फिलहाल एक ओवरव्यू, इसमें जो इसके जो कॉमन फीचर हैं, जो इसकी मतलब कॉमन हमने टेबल बनाई है जिसका डिफरेंस डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसके में समझ नहीं, इतना समझ लेना कि प्रोकैरियोट सेल्स में जो होता है वो एबसेंट होता है बट गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उस गैस वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सूडो वैक्यूल। जो सूडो वर्ल्ड है, सूडो की स्पेलिंग क्या है, PSEUDO, सूडो। सूडो मीन्स फॉल्स, यानी कि फॉल्स वैक्यूल, यानी कि नकली, यानी कि पक्का नहीं है, ट्रू नहीं है, मतलब कि फॉल्स वैक्यूल है, ठीक है। इनकी ये किसमें है हमारा, प्रोकैरियोट सेल्स में। बट जो हमारी यूकैरियोट सेल्स है उसमें क्या होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, थैलाकॉइड। क्या है हमारा, थैलाकॉइड प्रेजेंट इन यूकैरियोट, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट नॉट वेल डिफाइंड। प्रेजेंट होता है, जैसे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है ऐसे ही प्रेजेंट है, बट नॉट वेल डिफाइंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसमें प्रेजेंट है, क्लियरली विजिबल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऐसी वेल डिफाइंड थैलाकॉइड। एनवलप, एनवलप सिस्टम। जब हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट सेल तो हमने ये बताया था आपको, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीन से हमारे क्या बनता है, एक एनवलप बनता है जिसको हमने बोला था सेल एनवलप, ठीक है। उसे क्या बोला था हमने, सेल एनवलप। इसकी क्या हुआ है, हमारा एक एनवलप बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सिंगल एनवलप। जब हम बात करते हैं यूकेरियोट सेल की, तो यूकेरियोट सेल में हम बताते हैं आपको, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर देन क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी एपेरेटस, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये क्या है, ये हमारे, ये इसके अंदर ऑर्गेनलीज हैं। जैसे बाहर का सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवलप हुआ, ऐसे ही ये गैस वैक्यूल और ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, ये भी एक एनवलप है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसमें कितने होते हैं यूकेरियोट्स में, दो, उसमें सिर्फ एक ही थे, ठीक है। इसमें शायद कन्फ्यूजन हो जाए तो इसमें एक बार मेरे से पूछ लेना अगर किसी की समझ में नहीं आया। जब आप डायग्राम देखोगे प्रोकैरियोट सेल का, तो उसमें हमने क्या बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक एनवलप। तो ये इसकी नंबरिंग कितनी हो गई प्रोकैरियोट्स में, एक। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो ये भी एक एनवलप बना रहे हैं। प्लस जो आउटर लेयर है उनकी, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही एक एनवलप बना रहे हैं। तो इसलिए यूकैरियोट्स में दो एनवलप होते हैं, ठीक है। साइज साइज प्रोकैरियोट्स का स्मॉल होता है, डेफिनेटली स्मॉल होगा क्योंकि उसमें इतनी चीजें है ही नहीं। बट जब बात करते हैं हम यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में बहुत लार्ज होता है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गॉल्जी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक डिफरेंस है। यहाँ तक होप कोई डाउट नहीं हो, मैंने बहुत ट्राई करा है, एक एक चीज मैंने बहुत स्लोली बताई है, और जब आप क्लास देखें तो 1.25x पर देखें मिनिमम, ठीक है। और ईयरबड्स लगा के ये ईयरफोन का यूज करें क्लास देखते टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने फीचर्स देख लिए प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस, सारी टेबल वही है, एक बार दोबारा देख लेना। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो फिर वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, जब आप सेकंड पेज पर आएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, कि हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अब पता करेंगे, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वहाँ पे डिफाइंड नहीं था, वहाँ पे पुअरली डिफाइंड बोला गया है और नॉट वेल डिफाइंड बोला गया है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे हमें प्रॉपरली न्यूक्लियस दिखता है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब प्लस सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोला गया है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। एक्सटेंसिव मतलब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या है हमारी, ईआर, गॉल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल,
और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते थे। ये सारे क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है। ये किस में प्रेजेंट है, हमारी यूकैरियोट्स में। इन्हें ही क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स। यानी कि ऐसा नहीं कि सारी यूकैरियोटिक सेल्स सारी सिमिलर हैं, सारी एक भी जैसी हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल का मीन होता है सेम। यहाँ तक क्लियर है? जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या होता है, डायटम्स, युगलिना। यूकैरियोट सेल्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं हमारे, फंजी आते हैं, प्लांटी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सम एनिमल्स आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में जैसे हमारा डायटम्स हुआ, युगलिना, प्रोटोजोआ, एमोइबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि डायटम्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये याद रखना, और किस मेंबर का, किस किंगडम का ग्रुप है, प्रोटिस्टा का, फंजी का, प्लांट का, एनिमल का। और ये जिन लोगों इसमें कन्फ्यूजन हो, जो इलेवेंथ वाले हैं, वो अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर, वो सॉरी थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, और सेकेंड चैप्टर भी नहीं पढ़ाया है। तो वहाँ पे प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट, एनिमल, वहाँ पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी, अभी फिलहाल इतना ओवरव्यू तो थोड़ा बहुत तो पता ही होता है बच्चों को नॉर्मली, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व होता है डायटम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, एमोइबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। ठीक है, फंजी, प्लांट, एनिमल, ये भी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, बट नॉट इन आइडेंटिकल। ये सारे आइडेंटिकल, ये सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंस हैं। जैसे हम लोग डिफरेंस हैं, ऐसे ही ये लोग भी डिफरेंट हैं। इनके भी अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके का इनका एडाप्टेशन है, अलग अलग तरीके इनका बिहेवियर है। और ऐसे बोलूँ नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में तो हम बोल सकते हैं बिहेवियर, या फिर हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक है, यहाँ तक होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स, कंपोनेंट ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये गोल्डन टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई टीचर नहीं समझा पाता आज तक। मुझे भी मेरे टीचर्स ने बड़ी मुश्किलों से समझाया था, बट ये टॉपिक अगर आपके समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, इलेवेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी, दोनों में, और नीट के पेपर में तो एज वेल एज। जब हम सेल की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किस सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो दिमाग में एक इमेजिन रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, हम एक वर्ड सुनते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आज तक बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो उसे प्रॉपरली समझा पाते हैं, बहुत कम टीचर्स। अब मैं इसकी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा या मैं अपना वो नहीं बता रहा, लेकिन एक वो बता रहा हूँ आपको कि प्रोटोप्लास्ट को समझने की सबसे ईजी टेक्निक क्या है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं सेल, पूरी सेल इमेजिन कर लो कि उसमें पूरी सेल में हमारी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गॉल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब प्रेजेंट है। ठीक है, हम बात किसी कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, इसमें सारे डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें बताना है प्रोटोप्लास्ट इसमें कैसे, सेल वॉल, इस पूरी सेल में से हम माइनस कर देंगे सेल वॉल, यानी कि हम सेल वॉल अगर रिमूव कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लास्ट। क्या हुआ हुआ अब हमारा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, पूरी सेल थी हमारी, सेल में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर पे क्या होती है हमारी, सेल वॉल, उसके बाद क्या थी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने सेल वॉल रिमूव कर दी तो उसे क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह बची उन्हें सबको क्या बोला हमने, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब जो हमारा, अब हम नेक्स्ट हमारे की यूज होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन लिविंग मटेरियल होता है, नॉन लिविंग मटेरियल जो है हम उसे रिमूव कर देंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा उससे हमारा, प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म हम बनाते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें क्या करेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बनाने लिए न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे। जब हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, पूरे साइटोप्लाज्म। साइटो मीन से क्लियर है, साइटो मीन सेल, जो साइटो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए। जब जो उसमें बचा जितना भी पार्ट, न्यूक्लियस हटा दिया हमने, बाकी जो बचा वो क्या होगा हमारा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म को ये बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब ये साइटोप्लाज्म बचा, इसमें से हम माइनस कर देंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारी हमने रिमूव कर दी तो उसके बाद क्या बचता है उसमें से, साइटोसॉल। अगर समझ में नहीं आए एक बार डायग्राम बनाना, आपकी बुक में बना हुआ है, सारी वो लेयर बनाओ, दो लेयर बनाओ, पहले सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ईआर बनाओ,
लाइसोसोम बनाओ, वैक्यूल बनाओ, गॉल्जी बनाओ, ये सब बनाओ, ठीक है। सब बनाने के बाद फिर एक बाय एक स्टेप के बाद रिमूव करो सेल, पूरी सेल बना ली हमने, सेल वॉल रिमूव कर दी तो हमारे क्या बना, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में से हमने क्या माइनस कर दिया, नॉन लिविंग मटेरियल, जो इसमें नॉन लिविंग मटेरियल को हमने निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बना हमारा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारे लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, जब न्यूक्लियस हट गया तो अब न्यूक्लियस का तो कोई नामो निशान नहीं बचा, तो उसमें क्या बचा, पूरा टोटल ओवरऑल क्या हुआ, वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में से हमने माइनस कर दिया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, कौन सी होती है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, जिसने हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनको अगर हमने रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारा, साइटोसोल। ये बहुत, ये जो टर्म्स हैं ये समझ में नहीं आती, इससे याद कर लेना, इस चार्ट को समझ लेना, और इस पे ही नीट्स में भी क्वेश्चन फंसेगा, अगर ये क्लियर है आपको तो अच्छा है आप लोग। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल हम पढ़ चुके, आउटर लेयर थी, अब जो इनर लेयर है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या दूसरे वर्ल्ड में बोले हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर, और मैंने प्रोकैरियोट्स में जब पढ़ाया था तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकेरियोट्स, ठीक है। तो मैंने ये बोला था अभी पिछली क्लास में कि ये चीज़ मैं आपको जब मैं यूकेरियोट्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जाके क्लियर करूँगा। अब देखो कैसे क्लियर करूँगा, क्या मीनिंग था, और वहाँ अगर मैं समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, अब जो समझाऊंगा शायद अब बहुत जल्दी समझ में आ जाए। स्ट्रक्चरली सिमिलर बिकॉज जो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या प्रोकैरियोट का, वो कैसे स्ट्रक्चरली सिमिलर है, ये दोनों चीज़ें, बिकॉज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, जो कि बने हुए हैं किससे बने हुए हैं, लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, एब्सोल्यूटली रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हम एनिमल्स, जब हम मोस्टली बात कर रहे हैं फोकस करके एनिमल्स की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होनी जरूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट है, कि एब्सोल्यूटली रिक्वायरमेंट, ये बेसिक नीड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे क्या कहता है, डिटेल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब ये डिस्कवर्ड हो गया तो जब हमने इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने स्टडी करा, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने यूज करा केमिकली एक सेकेंड बच्चे, हाँ जी सॉरी, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, कैसे स्ट्रक्चरली सिमिलर है, बिकॉज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किससे बना, हमारा लिपिड प्लस प्रोटीन से बना है, ठीक है। सेकंड चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है इसका, डिटेल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमें पता है कि माइक्रोस्कोप कई सारे टाइप के आते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किसने किया, इसका आंसर आपको देना है ग्रुप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना इतना बेसिक चीज़ है, इतनी क्लियरिटी से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है, और उससे आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं कोई सस्ता मद्दा, ये बाजार में मिल जाएगा, अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, केमिकली स्टडी, जब सबसे पहले हमने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर ली, हमने क्या करा, केमिकली स्टडी करा, केमिकली स्टडी मीन्स आरबीसी, आरबीसी हमने रेड ब्लड सेल ली, उसमें जब हमने स्टडी करा तो हमने पाया जो लिपिड है, लिपिड कितने परसेंट होता है हमारा, 52%, एंड द प्रोटीन इज प्रेजेंट 40%, जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है वो कितना है 40%, एंड लिपिड कितना परसेंट प्रेजेंट है 52%, इसके कंपोजिशन से हमारी क्या बनी हुई, आरबीसी सेल बनी हुई, ठीक है। केमिकली स्टडी था, केमिकल के बारे में हमने करा, बट ये प्रॉपरली ये थे नॉर्मल चीज़ हो गए,
जो इसका प्रॉपर जिसमें एक वो करा एक्सप्लेनेशन, वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा मॉडल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल लिखा हुआ है, वो किस वो कौन सा मॉडल कहलाता है, हमारा फ्लूड मोजेक मॉडल। क्या कहलाता है वो, हमारा फ्लूड मोजेक मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था हमें, बाय सिंगर एंड निकल्सन। क्या नाम है इनका, बाय सिंगर एंड निकल्सन। ये सिंगर कोई वो गाने वाला सिंगर नहीं है, ये नेम है उस साइंटिस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे तो लल्लू पप्पू ऐसे नाम रखते थे, ऐसा नहीं है, ये वहाँ का नाम है एक साइंटिस्ट का। ठीक है, द नेम है इनका सिंगर एंड निकल्सन। 1972 में इन्होंने ये बताया, ये थ्योरी इन्होंने बताई। ठीक है, बाय सिंगर एंड निकल्सन 1972 गिव द फ्लूड मोजेक मॉडल, इन्होंने दिया हमें। ठीक है, ये 1972 याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किससे बनी हुई है, हमारी लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, इसी लिपिड प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉस्फोलिपिड। लिपिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये किस तरीके से अरेंज है स्ट्रक्चर की फॉर्म में, किस तरीके से अरेंज है, अरेंज इन बाई लेयर। अब ये जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर आपके उसमें आगे नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी नोट्स में, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। लिपिड प्लस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज है, अरेंज इन बाई लेयर। एक लेयर ऊपर प्रेजेंट है, एक लेयर हमारी नीचे प्रेजेंट है, एक ऊपर और एक ये ऐसे प्रेजेंट है, बाई लेयर हुआ। ये एक लेयर ऊपर है, एक लेयर ये ऐसे प्रेजेंट है आमने सामने। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बने कैसे, किससे बनते हैं, तो ये कौन से उससे बनते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड। किससे बनते हैं हमारे, फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, अब नीचे देखोगे आप एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें एक ऊपर क्या है, हेड बना हुआ है, और नीचे क्या पार्ट बना हुआ है, टेल। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, आउटर पार्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड सेकेंड वो क्या है पॉइंट उसका, वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन लविंग, लविंग टू दी वाटर, मतलब जो पानी से प्यार करता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट यह बोलें जो हाइड्रो हाइड्रोफिलिक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोलर। ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखना, जो हमारे फॉस्फोलिपिड का आउटर पार्ट है, यानी जो हमारा अपर पार्ट है जिसे हम हेड बोलते हैं, उसमें क्या क्वालिटी है उसकी, एक तो आउटर पार्ट है, थर्ड सेकेंड चीज़ क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर वाटर लविंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पोलर है। टेल, टेल क्या होती है हमारी, दो स्टैंड होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, ये क्या करती है, हमें बाहर के एनवायरनमेंट से उसे उससे बचा के रखती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरना, जिसे पानी से डर लगता हो, हाइड्रोफिलिक मीन जिसे पानी से प्यार हो, और हाइड्रोफोबिक मीन जो पानी से डरता हो। ठीक है, और ये क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, नॉन पोलर है। जो टेल है वो क्या होती है हमारी, नॉन पोलर होती है, और जो हेड है वो क्या होता है हमारा, पोलर होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेशन पर। इस पर हम जाते हैं बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेशन पर। बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेंट कोलेस्ट्रॉल। जब हम बायोकेमिकली यानी कि बायो के प्रस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑल्सो कंटेंट दी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो कंटेंट शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट, शुगर होती है और कार्बोहाइड्रेट भी। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज़ है इसके अंदर मैं प्रोटीन एंटर कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने प्रोटीन्स डाल दिए। अब इसमें दो दो कंडीशन बन जाएंगी, एक प्रोटीन्स तो वो होंगे जो इजीली बाहर आ जाएंगे, जो इसका आउटर सरफेस पर होंगे वो इजीली बाहर आ जाएंगे, एक प्रोटीन वो होंगे जो इसके इंटरनल पार्ट में घुस जाएंगे, वो आसानी से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रोटीन डाल दिए, जो आउटर वाले हैं वो तो ईजिली निकल जाएंगे, जो इसके अंदर इसमें डाले हैं मैंने, अब वो आने में बाहर आने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसे बोलते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना, उसमें से निकाल देना। ठीक है, तो
तो दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है पेरिफेरल जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, जिस अदर वर्ल्ड में बोलते हैं हम उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है, ऑन दी सरफेस, पेरिफेरल मतलब ऑन दी सरफेस, जो मतलब सरफेस पर है उसे बोलते हैं हम पेरिफेरल, या दूसरे वर्ल्ड में जो एक्सटर्नल यानी कि बाहर है, और तीसरे वर्ल्ड में उसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उन्हें प्रोटीन को उनके नाम दिया हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बी पॉइंट, बी पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल, इंटरनल इंटरनल मीनिंग जो पार्शली, इंटरनल दो टाइप के हैं, एक तो प्रॉपरली अंदर फिक्स हैं धसे हुए, और एक जो है हमारे नॉट प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब एनसीईआरटी में देखना, जब क्लास देखो तो उस टाइम पे एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको, सिंगर एंड निकल्सन ने बनाया हुआ है ये, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा ये, इसमें तो थोड़ा ऐसे ही बना हुआ है बट उसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो ऊपर के देख रहे हुए आप बहुत सारे फॉस्फोलिपिड बने हुए हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बने हुए, फिर बीच में कुछ इंटरनल पार्ट लिखा हुआ है, जो मतलब कि कुछ बॉक्सेस से बने हुए हैं, उन्हें क्या बोला हमने, इंटरनल, उसके ऊपर के लिखा हुआ है इंटरनल, फिर आगे फिर कुछ फॉस्फोलिपिड बने हुए, और एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ है जो पूरी उसमें आ रहा है दोनों लेयर में, एक तो ये है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि थोड़ी स्पेस खाली है जो हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, और एक जो है, एक को बोला मैंने ए पार्ट, एक को बोला मैंने बी पार्ट, जो बी वाला पार्ट है वो क्या है हमारा, फुल्ली है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीटली, और एक है जो थोड़ा थोड़ा, एक ऊपर वाले लेयर में प्रेजेंट है और एक नीचे वाले लेयर में, और बीच में कुछ स्पेस अनफिल्ड है, ठीक है। तो जो बाहर की साइड होते हैं उन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आपको बना हुआ भी दिख रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ भी एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये तो इजीली बाहर आ जाते हैं, इन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो ये इंटीग्रल वाले होते हैं, इंटीग्रल वाले दो टाइप आते हैं, एक होता है हमारे पार्शियली बरिड का मीन होता है धसे होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरिड, वहाँ लिखा हुआ बी यू आर आर आई ई डी, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ बी यू डबल आर आई ई डी, बरिड, बरिड में उसके अंदर धसा होना, उसके अंदर मतलब के घुसे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो प्रॉपरली कम्प्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली ऊपर की लेयर में भी और नीचे की लेयर में कोई स्पेस खाली नहीं है, तो इसी क्या बोला हमने, इंटरनल, इंटरनल और कम्प्लीटली बरीड इज नोन एज टनल प्रोटीन, इन्हें दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम, टनल प्रोटीन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। यही रन थ्रू द मेम्ब्रेन, यही पूरे उसमें मेम्ब्रेन में फ्लो करता है, ठीक है। और एक प्रोटीन बना हुआ है हमारा जिसमें थोड़ा सा पार्ट जो है ना अनफिल्ड है, मतलब कि एक ऊपर लेयर में बना हुआ है, एक नीचे लेयर में बना हुआ, दो बॉक्सेस बने हुए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, पार्शली, या पार्शली बोलते हैं या फिर बोलते हैं हम इनकम्प्लीट बरीड, यानी कि वो इनकम्प्लीट बरीड है, जो कम्प्लीटली बरीड है उसमें से प्रोटीन निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा कम्प्लीटली एक ठोस वो बना हुआ है, लेकिन जो इनकम्प्लीट है उसमें से प्रोटीन निकाल लेना ईजी है हमारे लिए, थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड करना और इसके डायग्राम को जरूर देखना, नोट्स के और बुक के डायग्राम को भी देखना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पेज है हमारा, उस पर एक वो बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। वो बॉक्स किस चीज़ का बॉक्स है, प्रोटीन का, उसके ऊपर हमारे कुछ एक स्टैंड बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें अटैच हुई हुई है, वो जो अटैचमेंट है उसे क्या बोलते हैं, शुगर, वो क्या है हमारी, शुगर, और नीचे जो बॉक्स बना हुआ है वो क्या है हमारा, प्रोटीन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिपिड, इसे क्या बोला हमने, ये शुगर प्लस प्रोटीन, एक तो हमारी शुगर प्रेजेंट है इसके ऊपर, एक हमारी प्रोटीन प्रेजेंट है, इन प्रोटीन और शुगर दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, शुगर प्लस लिपिड, शुगर है एंड प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। शुगर प्लस प्रोटीन वी कॉल ग्लाइको प्रोटीन, शुगर प्लस लिपिड ग्लाइको लिपिड, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। लिपिड का नेचर कैसा होता है, फ्लूड लाइक, यानी कि फ्लूड लाइक लिपिड को हम, दूसरा लिपिड क्या करता है, लिपिड कैसा शो करता है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि कुछ इस टाइप की,
यानी कि अप डाउन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लूड लाइक इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, इनेबल मूवमेंट यानी कि या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं दोनों मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे समझाया गया, हमारी एनसीईआरटी बोलती है, जो हमारा सिंगर एंड निकलसन है, उन्होंने क्या बोला है, लिपिड के नेचर को क्या बताया उन्होंने, आइसबर्ग, आइसबर्ग से कंपेयर करा है। आइसबर्ग कैसे होता है, कभी एक बॉटल ली है, एक बॉटल ले लो या एक जार ले लो, ठीक है। इस बॉटल में मैं बहुत सारे आइस डाल देता हूँ, ठीक है, प्लस इसे फिल्ड कर देता हूँ प्रॉपरली वाटर से, ठीक है। अब जब मैं इसे इसके अंदर बहुत सारी आइस क्यूब डाला डाल दी मैंने, अब जब मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगा ना, तो ऐसे नहीं सारी आइस क्यूब यही आ जाएंगी इसके ऊपर, कुछ आएंगी और कुछ नहीं होंगी, मतलब प्रॉपरली नहीं आएंगी, ये सारा एकदम से नहीं आ जाएंगी। अगर मैं इसे इस तरीके से मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, तो सारी आइस क्यूब इसके आगे नहीं आ जाएंगी, ऐसे नहीं बाहर निकलने में तैयार हो जाएंगी, अंदर रहेंगी। तो इस तरीके का एक डायग्राम भी बना हुआ है, जिसमें नीचे क्या दिख रहा है, ऊपर क्या है, आइस रखी हुई, जैसे हमने बोला प्रोटीन, जिसको हमने अपनी बायो के टर्म में क्या बोला, प्रोटीन, और नीचे क्या है हमारी, ये H2O, H2O यानी वाटर, इसमें क्या है हमारे लिपिड। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है, प्रोटीन आइसबर्ग डेट फ्लोट ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो हमारे फॉस्फोलिपिड है, ऐसा लगता है कि जैसे ये तैर रहा है, बट ठीक है, इसे क्या बोला हमने, आइसबर्ग, हमने सेल की बेसिक चीज़ें पढ़ ली, सेल की फिजियोलॉजी पढ़ ली, सेल के साइज पढ़ ली, सेल की शेप पढ़ ली है, ठीक है, सेल के हमने सेल वॉल पढ़ ली, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स पढ़ ली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पढ़ ली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पढ़ ली, पूरे प्रॉपरली नहीं पढ़ी अभी, उनमें जो उनके पार्ट्स हैं वो रह गए हैं, वो आगे क्लास में आएंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोट सेल्स हमने कंप्लीट कर ली, सेल वॉल कल हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुकी है, और यूकैरियोट सेल्स हमने फिनिश कर दी, ठीक है। तो आई होप कि इतना पार्ट कवर कर चुके होंगे आप लोग, और एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर लेना एक बार, यहाँ क्लास के नोट्स बना लो और क्लास देख लो और एनसीईआरटी रीड कर लो, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो इमिडिएटली मैसेज कर देना ग्रुप में, आपको आंसर मिल जाएगा, और मैम का नंबर मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मुझे कोई रिमाइंडर डाल देना, या फिर मैम को मैं बोलता हूँ कि आप लोग ग्रुप में ऐड कर लेंगी, वो आपको सब कुछ बता देंगी कैसे आपके नोट्स मिलेंगे, और मंडे से आपके होपफुली आपके क्लासेस रेगुलर चालू हो जाएंगी, जो 11th के बैच है वो एक सेपरेट बैच स्टार्ट हो जाएगा और 12th का बैच सेपरेट हो जाएगा, और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको दोनों की क्लासेस मिला करेंगे, तो आपको जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको दो क्लासेस मिला करेंगे, और जो 11th 12th के उससे हैं वो उनके 11th और 12th के अलग क्लासेस मिला करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वायरी हो कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर 4:30, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना, बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।